नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जीएन भारत में हम आपको ईडी का सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार देते आ रहे हैं और अब जो इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आ रहा है, अब नए डीएमओ को, जी हां, ईस्ट पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर के डीएमओ संजय शर्मा को समन भेजा गया है ईडी के द्वारा। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब तक वही एक बचे हुए थे। इससे पहले हम आपको बता दें कि रांची के डीएमओ संजीव कुमार और साथ ही विभूति कुमार जो कि साहिबगंज के डीएमओ हैं, पाखुड़, दुमका, सारे डीएमओ को ईडी ने छोड़ा नहीं है। सबको समन देकर यहाँ बुलाया है और उनसे पूछताछ की है और कई अहम जानकारी, दस्तावेज सब कुछ हासिल किए हैं। अब जैसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जब से गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से कई डीएमओ के खुलासे हुए हैं और ये सारे डीएमओ के खुलासे हम आपको बता दें सीएस सुमन कुमार ने किया था, क्योंकि उन्होंने खुद कबूला था कि डीएमओ से पैसे आते थे, उनके घर में रखे जाते थे और उनके द्वारा हम ऊपर तक पहुंचाते थे। तब से डीएमओ जो है वो जो मेन खुलकर सामने आए हैं और ईस्ट जो पूर्वी सिंहभूम है जमशेदपुर के डीएमओ संजय शर्मा, वो पहले दुमका और हजारीबाग के भी डीएमओ रह चुके हैं। जी हाँ, उनके ऊपर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। आपको बता दें है, इनकी जरा दुस्साहस देखिए, जब वो दुमका के डीएमओ थे तो उस समय एक भारी नगद मात्रा में कैश उनकी गाड़ी में पकड़ाया था। उस समय एसपी थे विपुल शुक्ला, तो विपुल शुक्ला ने पकड़ा था उनकी गाड़ी को, लेकिन किसी और व्यवसाय ने क्लेम कर दिया कि ये मेरा गाड़ी है, इसलिए वो रिहा हो गए थे। बहुत चर्चा में आए थे उस समय, लेकिन अब फिर से वो एक बार चर्चा में है। उनसे ईडी पूछताछ करेगी, लेकिन अब संजय शर्मा का जरा दुस्साहस देख लीजिए, उनका हिम्मत देख लीजिए। उन्हें चुनौती दे दी ईडी को कि मैं पेश नहीं हूंगा। आपको बता दें ईडी ने 2-3 बार उनको लगातार समन भेजा है, लेकिन उन्होंने सूत्रों के हवाले से जो जीएन भारत को खबरें आ रही है कि इन्होंने कहा है कि हमारी, संजय शर्मा ने कहा कि हमारी दिल्ली बात हो गई है, दिल्ली से सेटिंग हो गई है। उन्होंने अपने साथियों से की है कि दिल्ली सेटिंग हो गई है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ईडी का छापा पड़ता है तो चाहे आप डीएमओ हो या वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल हो या फिर पंकज, खुद हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हो, कोई नहीं बच पाता है, क्योंकि ईडी ऐसी सेंट्रल एजेंसी है जिनके पास पूरा पावर है, खुद का पावर है, सजा देने का, कोर्ट है, एवरीथिंग है। इसलिए संजय शर्मा को हाजिर तो होना ही पड़ेगा। इसके साथ ही अब ऐसा सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि अगर ये अब हाजिर नहीं होते लास्ट समन में तो गिरफ्तारी का वारंट भी निकल सकता है। आपने, जैसा हमने आपको पिछली बार बताया था कि देवघर के डीसी भी कुछ ऐसे ही कर रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत दूर है, नहीं आएंगे, लेकिन जैसे गिरफ्तारी का वारंट हुआ, रात, जी हाँ, 4 घंटे का रास्ता वो 2 घंटे में उन्होंने तय करके 8:00 बजे यहाँ पे हाजिरी मार दी। तो शायद इनका भी वो हाल होगा। जो भी हो, पंकज मिश्रा और संजय मिश्रा जो नए डीएमओ हैं, इनको जो तलब किया जा रहा है, इस पर हमारी पैनी नज़र है और उसके सारे अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। क्या पता ही संजय शर्मा मुंह खोले और कोई और आईएएस अधिकारी फंस जाए, क्या होगा ही, हम आपको पल पल की जानकारी जीएन भारत में देते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।